दूसरे कारण यह था कि उन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया उसके कारण यह काफी प्रसिद्ध हो गया। और तीसरा कारण यह है कि उन्होंने यहाँ युवाओं में सन्यासी हैं। स्वामी विवेकानंद जी अनेक विदेशों की भी यात्रा की, जहाँ पर उन्होंने अमेरिका में धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। इनका मानना था कि ज्ञान ही जीवन की आधार शिला है, हमें इस पर अच्छे से अपनी शिक्षा की प्राप्त करनी चाहिए। इनका एक नारा भी था जो काफी प्रचलित है, उठो जागो और तब तक मत रोको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। धन्यवाद। अजय कुमार भर को मिलाना चाहूंगा। मैं अपने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी विभाग के विभागाध्यक्ष को नमस्कार करता हूँ एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थीगणों को मेरा स्नेह। आज स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर मैं अजय कुमार और उनके विषय में कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आए। तो ये कुछ इस प्रकार से है तथा इनका शीर्षक है भारत का एक सन्यासी, जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान, शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों का कर जब उसने पुकारा था शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गुंजा जयकारा था, जिसने दुनिया प्रभावित थी वो पहला हिंदू संत था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। शोषित वंचित पीड़ित के लिए जिनके मन में करुणा थी वो युवा सन्यासी, जिसने सोच बदल दी दुनिया की, जिसके चेहरे पर शांति और हृदय में आनंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था।